अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मेरा रूम पूरा तहस नहस हो गया है। तो चलिए आज साथ में रूम क्लीनिंग करते हैं। हे गाइस, तो आज मेरी एक फ्रेंड मेरे रूम पे आने वाली है और रूम का हाल मैंने इतना गंदा मचा रखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इससे पहले कि वो आ जाए, मेरी नाक कट जाए यहाँ से कि मैंने अपना रूम इतना गंदा रख रखा है, उससे पहले मैं पूरा रूम साफ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं अपना रूम काफी ठीक ठाक रखती हूँ, पर आज जब सडन मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझसे बोला कि वो मेरे रूम पे आने वाली है, तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं उसे ये कमरा तो नहीं दिखा सकती। मतलब वो भी ऐसे सोचेगी ना कि यार कैसे इसने कबूतर खाने जैसा अपना घर फैला रखा है। पूरा बालकनी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी कबूतरों की वजह से, और सोफे में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, स्टडी टेबल पे बुक्स की जगह प्लेट्स रखी हुई थी क्योंकि मैं इस टाइम पे बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी ठंड की वजह से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आज हिम्मत करते हैं और इसी बहाने सफाई हो जाएगी। तो अच्छा है कि मेरी फ्रेंड आ रही थी, तो मतलब उसकी वजह से ही मैंने साफ सफाई कर ली और सोफे से सबसे पहले सारे कपड़े हटाए और उन्हें फोल्ड करना शुरू करा, स्टडी टेबल पूरा अपना सही करा, सारी बुक्स जगह पे रखी और जो भी उसमें अननेसेसरी चीज रखी हुई थी उसे हटाया। कपड़े फोल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था मुझे, इसमें जो आपको इतनी स्पीड में जग जग दिख रहा है ना, ये टाइम लैप्स पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे अच्छी खासी मेहनत लगी थी। जो विंटर्स के कपड़े वो मैं अलग रख रही थी, समर्स वाले अलग रख रही थी, और जो मैं नई शॉपिंग करके लेके आई थी उसको मैं एक अलग बैग में रख रही थी, क्योंकि अभी तुरंत एक दिन बाद मुझे अपने घर भी जाना है मम्मी के पास, तो फिर मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कपड़ों को पैक करना, और इसे जल्दी मैंने तह करके अलमारी में डाल दिया था। किचन भी काफी गंदा हो रहा था मेरा, किचन साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, साथ में बर्तन भी पड़े हुए थे धुलने के लिए, और मैं बस ना ऐसे मुझे पुश नहीं मिल पा रहा था कि मैं किस दिन करूं। रोज मैं कल 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 पे टाले दे रही थी थोड़ा सा, मैं क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, पर आज फाइनली मौका आ गया। मैंने किचन से लेके बाथरूम से लेके बर्तन कपड़े सारा कुछ एकदम अच्छे से कर दिया, क्योंकि मेरी फ्रेंड का रुकने का भी प्लान था। फिर जल्दी मैंने झाड़ू लगा ली, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोछा भी लगाया, और उसके बाद ना मुझे घर ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये मेरा ही रूम है क्या। मतलब इतने दिन से मैं अपने रूम को थोड़ा ऐसे बिखरा हुआ देख रही थी, तो साफ सफाई के बाद रूम को देखने में बहुत अच्छा लगा। और साफ सफाई करते करते मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया था ना कि मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ फिर बर्तन धुलूंगी। तब तक मैंने नहा लिया, फिर मैंने बर्तन धुलने शुरू करे, और मतलब हार्डली 10-15 मिनट ही लगता है कि काम में। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बस वो ऐसे डेली डेली ना होता है ना, कल पे टालते रहो, आलस दिखाते रहो, उस वजह से ये नहीं हुआ। और क्लीनिंग के बाद मेरा रूम इतना प्यारा लग रहा था, मतलब ये वीडियो में कैसा लग रहा है आई डोंट नो, पर सामने से ये बहुत फ्रेश वाइब्स दे रहा था। और आप खुद देखिए रूम कितना ज्यादा क्लीन, और ऐसे छोटे से रूम में ही मैंने सारा कुछ सेट कर रखा है अपना। तो बेड के पास मेरा बहुत अच्छा लग रहा था, किचन भी मेरा काफी साफ हो गया था, सोफा अब बैठने लायक था, पहले तो उसमें सिर्फ कपड़े पड़े रहते थे, और ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से फिर साफ कर दी थी कि अब घर जाऊंगी फिर जब लौट के आऊंगी तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टडी टेबल में मेरा बैठ के पढ़ने का मन हो रहा है, फाइनली ये मुझे साफ सुथरी दिख रही है, और अब लग रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं। बालकनी भी मैंने ठीक ठाक मतलब थोड़ा थोड़ा साफ कर लिया था, क्योंकि अभी मैं घर जाऊंगी तो बालकनी वापस से कबूतर वैसे ही गंदा कर देंगे, तो बालकनी में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। तो मेरा रूम साफ हो गया है, अब मैं घर जाऊंगी और आगे के सारे व्लॉग आपको मेरी फैमिली के साथ देखने को मिलेंगे, तो अब तो मजे आएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरी इतनी सारी मेहनत जो मैंने अपना रूम साफ करने में करी है वो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।